ये वीडियो जितना खास होने वाला है उतना ही आगे चलकर आप ये जानोगे इस वीडियो में कि एक व्यक्ति ने कैसे खुद की जिंदगी खुद से ही बर्बाद कर दी। दोस्तों, आज जिस वीडियो में हम जिस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है एबन बायर। एबन बायर का जन्म 12 अप्रैल 1888 में अमेरिका में हुआ था। एबन बायर बचपन से ही काफी होशियार और काफी ही ज्यादा एक्टिव लड़कों में से एक थे। वो अपने क्लास में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते थे, स्टडी के हिसाब से भी, और साथ ही साथ खेल कूद में भी वो काफी अच्छे थे। एबन बायर जो है येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं। 1906 में एबन बायर यूएस एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं और इसी में वो नंबर वन की रैंक हासिल भी कर लेते हैं। उनकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। एबन बायर पहले से ही काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही काफी अच्छी थी, बट ये जो चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी जिंदगी और भी बदल जाती है, लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। लेकिन एबन बायर को कहाँ पता था यह उनकी सफलता कुछ समय बाद ही पूरी तरह से बदल जाने वाली है। 1927 ये वो वक्त था जब एबन बायर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कई प्रवास कर रहे थे, जिसमें कि वो ट्रेन में सोते वक्त अचानक से अपने बेड से नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण जो है उनका आर्म जो है इंजर्ड हो जाता है। इसका असर उनके एथलेटिक और सेक्सुअल डिपार्टमेंट दोनों जगह हो जाता है और इसका दर्द उनको काफी समय तक परेशान करता रहता है। इसके बावजूद वो कभी हार नहीं मानते हैं। वो दोबारा से एनुअल हार्वर्ड के येल फुटबॉल गेम में हिस्सा लेते हैं, बट गेम में हिस्सा लेने से पहले ही वो कहीं गिरने के कारण दोबारा से अपने आर्म में जो इंजरी हुई थी उसे बढ़ा लेते हैं, यानी कि जो उनके साथ पहली घटना हुई थी वही घटना दोबारा से होती है, जिसके कारण उन्हें और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे उनको बैक इंजरी भी होने लगती है, जिसके बाद वो मिलते हैं विलियम बिली नाम के डॉक्टर से। विलियम बिली काफी एक्सपर्ट डॉक्टर थे, काफी जाने माने डॉक्टरों में से एक थे, वो काफी प्रसिद्ध थे और काफी सारे अमीर लोग उन्हीं के पास ही अपने दवाई लेने आया करते थे। उस जमाने में ये जो दवाई विलियम बेली प्रोवाइड करते थे वो काफी लोगों को यंग दिखने में सहायता करती थी, साथ ही साथ उनके जो डायरिया के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में उनकी मदद करती थी, साथ ही साथ उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट करने में भी उनकी सहायता करती थी। सो ये सब जानने के बाद एबन बायर भी विलियम बेली के पास पहुंच जाते हैं। विलियम बेली जो है बहुत सारे अपने पेशेंट्स को रेडियो एक्टिव जूसेस पिलाया करते थे, जिसके कारण जो है उनकी इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती थी, उन्हें काफी ज्यादा जो है एक्टिव और एनर्जेटिक फील होने लगता था। विलियम बेली जो है एबन बायर को भी यही जो है रेडियो एक्टिव जूस देते हैं। रेडियो एक्टिव जूस लेने के बाद एबन बायर कुछ समय बाद अपने आप को काफी बेहतर महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो रोज धीरे धीरे कुछ मात्रा में रेडियो एक्टिव जूसेस पी रहे थे। धीरे धीरे उनको लगने लगा कि अब सब सही चल रहा है, क्यों ना मैं इसे थोड़ा और ज्यादा मात्रा में पीने लगूं। सो इसी के साथ ही वो 24 घंटे में एक एक बॉटल पिया करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी काफी अच्छी थी, इसलिए ये जो रेडियो एक्टिव जूसेस उस समय मिला करते थे ये काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे, बट एबन बायर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एबन बायर ने लगभग हर रोज को मिलाकर 1000 बॉटल के जूसेस पी लिए थे। एबन बायर की मुलाकात विलियम बेली से 1927 में हुई थी, लेकिन 1930 तक ये रिश्ता काफी अच्छा रहा, जिसके कारण एबन बायर ने काफी ज्यादा जूस
पी लिए थे, उन्होंने लगभग 3 गुना ज्यादा जूस कंज्यूम कर लिए थे। अब 1930 में आकर इब्न बायर रियलाइज करते हैं कि उन्हें जो है कैंसर हो गया है, उनके जो बोन्स है काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, उनके बोन्स में जो है होल होना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ उनके ब्रेन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है और उनके स्कल में जो है काफी ज्यादा होल्स हो चुके हैं और उनका जॉ का जो निचला हिस्सा है वो क्रम्बल्ड हो चुका है, यानी कि वो अंदर तक जा चुका है। और एक दिन ऐसी घटना होती है जिस दिन इब्न बायर की जॉ पूरी तरह से उनके मुंह से अलग होकर नीचे गिर जाती है। 31 मार्च 1932 को 51 ईयर्स के एज में इब्न बायर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और उसके बाद कई सारे लोगों को ये बात पता चलती है कि उनकी मौत क्यों हुई। इसके बाद यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्हें काफी ज्यादा सुरक्षित तरीके से दफनाने के लिए कहती है, क्योंकि उनके बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ शामिल थे। 1965 में उनके बॉडी को रिसर्च के लिए दोबारा से ओपन किया जाता है, बट तब पता चलता है कि उनके बॉडी में अब भी काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है।